Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, UV visible spectroscopy में आज हमारा छठा लेक्चर है. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि UV visible spectroscopy में किस तरह के सॉल्वेंट्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और फिर बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये जो सॉल्वेंट हैं ये N टू पाए स्टार और पाए टू पाए स्टार ट्रांजिशंस को कैसे इफेक्ट करते हैं, किस तरह से इनमें लॉन्गर शिफ्ट की यानी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती हैं ट्रांजिशन, और कब शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होती हैं, ये वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक. तो जो सॉल्वेंट है आपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करना, पहली तो बात है कि वो रेडिएशंस उस रेंज में अब्जॉर्ब ना करे जिस रेंज में हमारा सल्यूट अब्जॉर्ब करता है. नंबर टू, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी कॉन्जुगेशन ज्यादा होती है उतना ही सॉल्वेंट जो है उनकी अब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगी. फिर सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी डिजॉल्विंग पावर अच्छी होनी चाहिए, यानी वो सल्यूट को अच्छे तरीके से डिसॉल्व करके क्लियर सॉल्यूशन बना दे. अब जो सॉल्वेंट है, सबसे पहले उनका इफेक्ट देखते हैं फाइन स्ट्रक्चर पे. दो तरह के सॉल्वेंट है, पोलर और नॉन पोलर. जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता विद सल्यूट. अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो फिर सल्यूट का स्पेक्ट्रम ऐसे ही आएगा जैसे गैसियस स्टेट में आता है, यानी अट्रैक्शन ही नहीं हो रही, तो वो फ्री मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम होगा और उसमें फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगी. दूसरी तरफ अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा सल्यूट के साथ, यानी सल्यूट फ्री नहीं रहेगा, सल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और उस कॉम्प्लेक्स के नतीजे में होगा क्या, फाइन स्ट्रक्चर डिसअपीयर हो जाएगी. अगर आप स्पेक्ट्रम देखें, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है, इसमें ये आइसो ऑक्टेन की मौजूदगी में लिया गया स्पेक्ट्रम है. देखें, आइसो ऑक्टेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आइसो ऑक्टेन दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट. अब इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप देखिए उसकी बड़ी फाइन स्ट्रक्चर अपीयर हो रही है, ये वाला जो ग्राफ है इसमें बैंड्स देखें, बड़े फाइन स्ट्रक्चर है इसकी. लेकिन जो ही आप एथानॉल यूज करते हैं जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलैरिटी की वजह से सल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में अट्रैक्शन होती है, सल्यूट अब फ्री नहीं रहता, अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो फाइन स्ट्रक्चर थी वो देखें डिस्टर्ब हो गई, डिसअपियर हो गई, और हमारे पास इस तरह का स्पेक्ट्रम आ गया जिसमें एक ही बैंड अपियर हो रहा है. तो अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर आएगी, क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, गैसियस स्टेट में जैसे स्पेक्ट्रम आता है फ्री मॉलिक्यूल का वैसा ही आएगा. लेकिन पोलर सॉल्वेंट में अट्रैक्शन होगी, सल्यूट सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइन स्ट्रक्चर डिसअपीयर हो जाएगी. तो इस तरह ये पहला इफेक्ट है सल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के हवाले से, यानी सॉल्वेंट की पोलैरिटी फाइन स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करती है. इसके बाद है फ्रैंक कॉर्डोन प्रिंसिपल. देखें, जो पोजीशन है और इंटेंसिटी है लैम्डा मैक्स की, जो पीक आ रही है वो अफेक्ट होती है एनर्जी डिफरेंस से, किसके दरमियान, बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक लेवल. ये हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं कि ये जो हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट होती है दूसरी एक्साइटेड स्टेट, ये होमो है, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट. अब इनके दरमियान ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड लियोमो, ये जो डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई अफेक्ट करता है पोजीशन को भी लैम्डा मैक्स की और इसकी इंटेंसिटी को भी अफेक्ट करता है.
अब फ्रैंक कॉर्डोन प्रिंसिपल के मुताबिक ये जो ट्रांजिशन होती हैं, ये एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एटम नहीं इन्वॉल्व होते, इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स नॉट दी एटम्स, इसमें एटम इन्वॉल्व नहीं होते, यानी इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट के इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होते हैं और सॉल्वेंट के इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होकर एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, जिसकी वजह से अगर वो एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे तो एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा हो जाएगा, और अगर वो ग्राउंड स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे तो इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो जो फ्रैंक कॉर्डोन प्रिंसिपल है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ट्रांजिशंस में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, एटम इन्वॉल्व नहीं होते, और सॉल्वेंट के इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज करते हैं स्टेट को, एक्साइटेड को भी कर सकते हैं, ग्राउंड को भी। एक्साइटेड को करेंगे स्टेबलाइज तो एक्साइटेड स्टेट नीचे आ जाएगी स्टेबलाइज होने के बाद, जिसकी वजह से एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा हो जाएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट अगर यहां पहुंच गई है स्टेबलाइज होकर तो अब ये डिफरेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये ग्राउंड स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं तो ग्राउंड स्टेट तो और नीचे आ जाएगी, यानी ग्राउंड स्टेट अगर यहां पहुंच जाती है तो ये डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरह जो सॉल्वेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉन रीरेंज होकर सल्यूट के इलेक्ट्रॉन के साथ वो स्टेबलाइजेशन डेवलप करते हैं, तो इसमें एटम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें ओनली इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ये है फ्रैंक कॉर्डोन प्रिंसिपल। अब है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो है स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट, कि कब ग्राउंड स्टेट स्टेबल होती है, कब एक्साइटेड स्टेट स्टेबल होती है। हमारे पास जो ट्रांजिशंस हैं आमतौर पर, जो हम कहते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल्स में, वो ट्रांजिशंस हैं, एक है पाई टू पाई और एक है एन टू पाई, यानी जो ज्यादा प्रोमिनेंट है एक पाई टू पाई ट्रांजिशन इस तरह से, और दूसरी है एन टू पाई स्टार। ये दो जो ट्रांजिशंस हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो हमारे पास एन टू पाई ट्रांजिशन स्टेट है, एन टू पाई ट्रांजिशन स्टेट किन में होती है। एन टू पाई ट्रांजिशन स्टेट होती है जिनमें डबल बांड भी हो, यानी पाई बांड भी हो, वो ट्रिपल भी हो सकता है, और साथ लोन पेयर भी हो। तो यहां ये एन है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास है यहां पर पाई बॉन्ड, तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है एन टू पाई ट्रांजिशन स्टेट में, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, दिस इज होमो हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें होता क्या है, ये जो ग्राउंड स्टेट है, ये जो होमो है, यहां पर ये लोन पेयर सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है। इसका मतलब है यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है सॉल्वेंट का, एक्साइटेड स्टेट के साथ नहीं बनना, ग्राउंड स्टेट में ये जो लोन पेयर मौजूद है इन लोन पेयर्स के साथ सॉल्वेंट अट्रैक्शन डेवलप करेगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, जो ग्राउंड स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। जब ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, यानी ग्राउंड स्टेट पहले से और लो एनर्जी पे आ जाएगी। क्यों लो एनर्जी पे आई है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है वो हाइड्रोजन बांड बना लिया है उसने किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। जब वो ज्यादा स्टेबल होगी तो यहां देखिए ये एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा। अगर एनर्जी ज्यादा होगी, अगर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, यानी एनर्जी बढ़ती है, तो इसका मतलब है वेवलेंथ यहां पर शॉर्ट होगी। तो ये फिर जो हमारे पास ट्रांजिशंस होंगी ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चली जाएंगी। तो जो लोन पेयर अवेलेबल होता है ग्राउंड स्टेट में, वो अच्छा हाइड्रोजन बांड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बांड बनाता है, जिसकी वजह से एन टू पाई ट्रांजिशंस में हमारे पास ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। जैसा कि देखें यहां पर हमने एसीटोन का जो है एन टू पाई ट्रांजिशन एसीटोन में नोट की है, तो यहां देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में 279 है उसकी वेवलेंथ लैम्डा मैक्स, लेकिन जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ती जा रही है, हमने क्लोरोफॉर्म यूज किया थोड़ा पोलर है 277,
यानी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ट्रांसफर हो गया, क्योंकि क्लोरोफॉर्म ग्राउंड स्टेट को स्टेबल करेगा। पोलैरिटी और बढ़ाएंगे 272 एथानॉल में, मेथानॉल में 70, और वाटर में चूंकि इन सारे सॉल्वेंट से ज्यादा पोलैरिटी है ये जो दिए गए हैं, तो देखें उनमें एन टू पाई ट्रांजिशन स्टेट और शॉर्टर वेवलेंथ पे चली गई है। तो एन टू पाई ट्रांजिशन जो होती हैं, पाई स्टार ट्रांजिशन जो होती हैं, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाती हैं, क्योंकि सॉल्वेंट ग्राउंड स्टेट के साथ हाइड्रोजन बांड बना के उसको और स्टेबल कर देता है और एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है। अब अगर इसका ऑपोजिट देखें, पाई टू पाई ट्रांजिशन, जो पाई टू पाई ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो एक्साइटेड स्टेट के साथ हाइड्रोजन बांड बनाता है। रिजल्ट क्या निकलेगा? एनर्जी का डिफरेंस कम हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगी और ये चली जाएगी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। देखिए, ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बांड है। यहाँ कार्बन कार्बन जो डबल बांड है हमारे पास है, ये वाला, ये ग्राउंड स्टेट है, ये होमो है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इस तरह से ये पाई बांड किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, जिस पे मर्जी कर दे, जिस पे पाई बांड शिफ्ट होगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जिससे पाई बांड अवे चले जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब आप चेक करें, एक्साइटेड स्टेट जो है वो डाइपोलर स्पीशी है, उस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा बनेगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? जब ये एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगी। जैसे चेक करें, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, इतना डिफरेंस है। ये हमारे पास आ गया डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस आ गया ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में डेल्टा ई। अब अगर ये पाई टू पाई ट्रांजिशन है, यानी ये पाई है और ये पाई स्टार है, पोलर सॉल्वेंट में ये जो पाई स्टार होगा ये हाइड्रोजन बांड अच्छा बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं। जब ये इसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन बांड, तो ये एक्साइटेड स्टेट पहले से लो एनर्जी पे आ जाएगा। यहाँ रिजल्ट क्या निकलेगा? एनर्जी का डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट स्टेबल हो गई है। एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, क्योंकि आपको पता है एनर्जी अगर कम होती है तो फिर उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो इस तरह से ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चली जाती है। उम्मीद आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एन टू पाई ट्रांजिशन में ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है हाइड्रोजन बांड बना के, और डिफरेंस बढ़ता है क्योंकि वो और नीचे आ जाती है अगर ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। और पाई टू पाई स्टार में एक्साइटेड स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, रिजल्ट क्या निकलेगा? एक्साइटेड स्टेट लो एनर्जी में आएगी और एनर्जी का डिफरेंस कम और वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। लास्ट में हम देखते हैं कि कॉमन सॉल्वेंट कौन से हैं और उनके कट ऑफ रेट क्या है। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ होता है कि इस वेवलेंथ से ऊपर ये एब्जॉर्ब नहीं करते, उससे नीचे नीचे एब्जॉर्ब करते हैं। कॉमन सॉल्वेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें यूवी विजिबल में वाटर, इसका कट ऑफ 190, यानी 190 से नीचे नीचे एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। 95% एथानोल, 205 नैनोमीटर, और फिर एम हेक्सेन 201, ये है कॉमनली यूज सॉल्वेंट। इसके अलावा हमारे पास ये लिस्ट है सॉल्वेंट्स की, एसीटोनाइट्राइल का कट ऑफ 190, यानी 190 तक एब्जॉर्ब कर सकता है, इससे ऊपर नहीं। क्लोरोफॉर्म 240 है, साइक्लोहेक्सेन 195, 1,4-डाइऑक्सेन 215 है, 95% एथानॉल, ये कॉमनली यूज्ड है 205, और इसी तरह एन हेक्सेन कॉमनली यूज्ड 201, मेथानॉल 205, आइसोक्टेन 195, वाटर 190, ये कट ऑफ रेट, इससे ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, नीचे एब्जॉर्ब करेगा, और ट्राइमेथिल फॉस्फेट 210 पे है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर अबाउट सॉल्वेंट्स यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच।